केंद्रीय सांख्यिकी योजना एवं कारपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोक निर्माण विभाग में धारवाड़ा में आ रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान को लेकर जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने रेवाड़ी शहर में जल निकासी व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आमजन को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क आमजन की मूलभूत सुविधाओं में शुमार है, जिनका समय रहते समाधान करना सरकार और प्रशासन का पहला कार्य है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मजबूत सड़क तंत्र विकास का मुख्य आधार है। उन्होंने रेवाड़ी में सड़कों की स्थिति को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आगामी 15 अक्टूबर तक जिले की सड़कों की मरम्मत करने की हिदायत दी और कहा कि प्रमुख सड़क मार्ग को प्रमुखता से चिन्हित करते हुए एस्टीमेट तैयार किया जाए, जिससे सभी सड़कों की मरम्मत हो सके। मीटिंग में आप क्या निर्देश दिए? देखिए, रेवाड़ी की अनेक समस्याएं हैं, सड़कों की हैं, पानी की हैं, पानी के जल भराव की हैं। तो पिछले दिनों के अंदर हम राजस्थान वालों से चर्चा करी थी धारवाड़ा में बैठ करके, एनजीटी का भी हवाला दिया था, तो उन्होंने मई तक के लिए ये कहा था कि हम ये पानी आना, आपके यहाँ गंदा पानी आना बंद कर देंगे। रेन वाटर का हम कुछ कह कर नहीं सकते, लेकिन जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का वो हम बंद कर देंगे। लेकिन अभी भी मालूम चला है कि ना केवल रेन वाटर बट गंदा पानी भी उनका अभी तक बाकायदा हमारे हरियाणा के अंदर आने लग रहा है और नेशनल हाईवे को भी पार करके निकल रहा है। तो यहाँ लोकल लोगों को तो है ही परेशानी, लेकिन जो जयपुर की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं, उन सभी को परेशानी थी। तो उसके बारे में चर्चा करिए क्या हो सकता है। तो एक तो ये चर्चा हमने करी थी, दूसरी रेवाड़ी की सड़कों का जिक्र आया है उसके बारे में चर्चा करी थी। फिर ये दो पुल मंजूर किए हैं हमने, रेलवे वाले जो भाड़ावास वाला है पहले हो चुका था, अभी बेरली वाला और ये रोड के ऊपर, हाँ ये और करवाए थे। तो इनके ऊपर भी मतलब काम कब से शुरू होगा, किस तौर के ऊपर होने जा रहा है, उसकी समीक्षा ली थी। सर निर्णय क्या निकल के आया जैसे अभी अपने हाईवे की बात? आप महीने भर के अंदर उसका देखेंगे, अभी हमने गुप्त रखा है उसको।